देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 230 के पार पहुंच गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना और आंदोलन करने का अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस आड़ में कुछ अराजक तत्व तोड़फोड़ करना, आग लगाना, सरकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और कई बार निजी संपत्तियों में भी तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने वाले काम करते हैं। इसको लोकतंत्र में कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए विधि के अनुसार बाकी कार्रवाई तो होती है, लेकिन अगर ऐसे आंदोलनों के दौरान भी अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तोड़फोड़ करेगा, आग लगाएगा, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, तो जितना नुकसान करेगा उससे दुगनी राशि की वसूली उससे की जाएगी, नुकसान की भरपाई, दुगने नुकसान की भरपाई उससे कराई जाएगी। ये विधेयक पारित होकर विधानसभा में अब कानून बन गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस आड़ में तोड़फोड़, आगजनी और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान को उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से इस तरह के नुकसान की दोगुनी भरपाई की जाएगी। ये विधेयक विधानसभा में पारित होकर अब कानून बन गया है। सीएम। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, मध्य प्रदेश में आज कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7495 पॉजिटिव प्रकरण पूरे देश में आए हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल महाराष्ट्र में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 प्रकरण आए हैं। हम सब जानते हैं इन राज्यों से मध्य प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है और पूर्व के अनुभव भी हमें ये बताते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े और उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई और दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दोनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो, प्रारंभ इंदौर भोपाल से ही हुई और अभी इंदौर तथा भोपाल में प्रकरण बढ़ के लगभग साप्ताहिक प्रकरण नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में 3 गुने हो गए हैं। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। यदि हम पूरी दुनिया का भी अध्ययन करें और पूरी दुनिया का अनुभव देखें तो ओमिक्रॉन
बहुत तेजी से फैलता है। इंग्लैंड में 1,00,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, अमेरिका में भी लगभग 2,50,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, यूरोप में भी ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उपरोक्त सभी कारणों को देखते हुए मुझे अंतर आत्मा से लगता है कि ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं, कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकें, तेजी से संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर आवश्यक उपाय करें। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर ना करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें। अगर समय की अवधि पूरी हो गई हो तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना, सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। ये आप सबके सहयोग से ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।